ये कि दुआ करो यार हालात ठीक हो तू जाए। तो कह रहा था सिंगल हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, नया ब्लॉगर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ मैं हूं जी रिफत नियाज। क्या हाल चाल जी आप लोगों के, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है, उम्मीद करते हैं जी आप लोग ठीक ठाक होंगे, जहां भी होंगे खुशबाश होंगे। और सीन ये कि यार सुबह सुबह का वक्त है, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और इतनी ठंड लग रही है मुझे। हम पहाड़ी जबान में कहते हैं यार के सियाल चढ़ना, तो वो वाला हाल है। मतलब जब बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो आपको ना, तो तब हम कहते रहते हैं कि सियाल चढ़ना, तो वो वाला हाल है इधर। क्योंकि बारिश हुई है तो बारिश के बाद जो है इधर बहुत ठंड है। और चलो जी चलते हैं यूनिवर्सिटी और आज की इस ब्लॉग को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी पहुँच कर आपसे मिलते हैं जी। यार मैं तो पहुँच गया हूँ यूनिवर्सिटी में और मेरे साथ जो बाकी लोग यार, मैं कहने लगा था कि जो मेरे साथ बाकी लोग होते हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे, पता नहीं रात को क्या कहते हैं, लेकिन ये टाइम पे पहुंच गया, बच गई इसकी। और यार क्या चाहत पतेली हाँ, अहमद तुम कैसे हो? तुम तो कैमरे के सामने नहीं आते, बहरहाल ऐसे ही बता दो। अल्लाह का शुक्र है, आप बताओ? अल्लाह पाक का करम। आप रात में पुठे हो गए थे? मैं तो पुठा नहीं हुआ, जलजला हुआ है, तो बहरहाल आप जो है तो कहीं फंसे हुए थे। ये देखो जी, ये लोग पता नहीं रात को किधर होते हैं और सुबह सुबह इनको पता ही नहीं होता कि हम जा किधर रहे हैं। अपना मोबाइल जो है ना तो गाड़ी में भूल गया अहमद, और हम जा रहे हैं जी इसका मोबाइल उठाने के लिए इसकी गाड़ी के पास। यार ये उमर भाग रहे हैं, उमर क्यों भाग रहे हैं, क्या है आखिर ऐसा, क्यों भागे भागे जा रहे हैं? भाग रहा है यार ये, मतलब इसने असाइनमेंट बना के लाई हुई है ना, तो कहता है कि अगर मैं लेट हो गया तो मैम अटेंडेंस नहीं मार करेगी, उन्होंने असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट के चक्कर में ये भागे जा रहे हैं। इसको कह रहा है यार भागो जल्दी करो, लेट नहीं होना, एक दिन लेट हो गए कुछ नहीं होता, एक असाइनमेंट से कुछ नहीं होता। हाँ, ये वो कह रहा है जिसकी सब पूरी हैं। सब पूरी हैं लेकिन मेरी भी तो आज सबमिट होगी ना, साथ है ना, तो जो मेरी ना जो मेरी पहले नहीं गलती हमने शुरू की हुई है, मैंने भी नहीं की थी जब तुमने मैंने एक असाइनमेंट में मेरी इतनी कुत्ते वाली की, मैंने उसके नीचे से दूसरी निकाल ली। क्या जी अहमद को फोन, हमने सोचा था कि कहीं ये और तो नहीं भूल के आ गया, लेकिन नहीं गाड़ी में ही था, हमें मिल गया और अब हम जा रहे हैं जी सीधा क्लास में। क्लास लेते हैं, क्लास के बाद आपसे मिलते हैं। मेरा कार्ड जो है ना तो वो बैग में पड़ा था, मुझे याद ही नहीं रही ना, तो मैं आया हूँ उधर वैसे, और अब गेट वन पे आया हूँ तो मुझे याद आई कि मुझे मेरे पास वो कार्ड ही नहीं है। मेरे पास पिक्चर पड़ी है चलान फार्म की, जा रहा हूँ गेट नंबर टू पे, वो दोनों तो इंटर हो गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ गेट नंबर टू पे, वहाँ से इंटर हो गया हूँ जी मैं गेट नंबर टू से, और अब हम जा रहे हैं जी सीधा क्लास में। यार हमारी हो गई हैं तीन क्लासेस ओवर, और हम आपको बताते हैं कि उमर जो असाइनमेंट बना के लाया था उसके बारे में इसका क्या हुआ असाइनमेंट, मैम ने इसको क्या बोला, उमर क्या बोला था मैम ने? गुड मिली है। हाँ यार इसको गुड मिली है, और जो मैं लेके आया था तीन पेजेस की लिख के, मैम ने कहा ये तो स्टार्टिंग है, ये स्टोरी कंप्लीट नहीं है। गलत, गलत क्या हो सकता है यार, गलत तो नहीं हुई बहरहाल, पूरी क्लास में अकेला बंदा जिसको गुड मिली है पूरी। हाँ वो तो ऐसा ही है, अभी हमारी एक क्लास रहती है इधर, हम पार्किंग में दिहाड़ीदार मजदूरों की तरह बैठे हुए हैं जी, और सोचते हैं कि क्लास लेनी है या नहीं लेनी, जो कुछ भी होगा हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। लेनी है यार, दूसरी मैम की है ना यार, कहता है घर वाले देखते हैं यार, कुछ नहीं होता, अब हम भी इंसान है यार, मतलब अब हमारी भी एक स्टेमिना होता है किसी चीज को लेने का। जिंदगी हाँ हाँ बहुत कुछ है, मेरा बहुत कुछ है, बस ये है कि दुआ करो यार हालात ठीक हो जाए। कह रहा था सिंगल हूँ, क्या मतलब सिंगल हूँ, मतलब बहुत कुछ है कहने का, मतलब बहुत कुछ है, घर वाले हैं, जिंदगी है, बेशुमार चीजें हैं, करियर है, पता नहीं क्या आप क्या कहते हैं तो मान लेते हैं। हाँ डबल भी हो सकता हूँ, मतलब इसी वजह से कह रहा हूँ, दुआ कर लो डबल हो जाऊं। आपको दिखा नहीं सकता, वो कैमरे के पीछे छुप कर रहता है, वो बच्चा ना पूरा दिन तलाश में रहता है, शिकारी बच्चा। पहाड़ी जबान में कुछ लोग कहते रहते हैं अशिकारी अशिकारी। वो बच्चा है, वो बच्चा, और वो सही ना, मतलब अपना जो हुलिया वो सही बना के आता है ना, मतलब जिस तरह वो थोड़े से मम्मी डैडी बर्गर बच्चे नहीं होते इस तरह के, हवस का पुजारी है। यार ये हमारा फन वगैरह होता नहीं, नहीं, अच्छा बच्चा, है, अच्छा, अच्छा, अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा। और ये कि हम उसको थोड़ा बहुत तंग चंग भी करते रहते हैं, हरकतें करता रहता है बीच में, इतना भी ज्यादा नहीं है, करता रहता है। चलो यार हम आपको ये भी इसके भी वही काम है, क्या 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 हुआ, मेरे क्या काम है, कोई एक काम गिनवाओ कैमरे के सामने, मैं तो कहता हूँ खुली छूट दी हुई है भाई, खुली छूट, ऑफ द रिकॉर्ड। ये देखो ये है जी, वो उधर मुड़ के चला गया, बहरहाल ये कि आगे आपने देख लिया जी कौन है, आपको पता चल गया होगा क्योंकि मोस्टली ये हमारे साथ ही होता है। ठीक है जी, थोड़ी देर यार हम बहुत थक गए हैं, पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों नाश्ता वगैरह करके नहीं आए, वास्ता लाइक कर दो, लाइक कर दो इसको, इसको शेयर भी करो, इसको लाइक करो। सिंह जी कि हम लोग जा रहे हैं कैफे पे वही ज़बरदस्त किस्म की चाय पीने के लिए, और मुझे उस बंदे की तलाश है जो मुझे आंखें मार रहा था, उस दिन के बाद से वो दोबारा मुझे मिला नहीं है। यार ये लोग चाय ले रहे हैं और हमने चाय लेके सीधा जो है तो वापस जाना है क्लास में। ठीक है हम चाय लेकर तो सीधा जा रहे हैं जी क्लास में।
यार जल्दी जल्दी में चाहे हम पी के ना तो भागते भागते क्लास में आए कि क्लास में जाके तो हम अटेंडेंस मार करवाएंगे, इधर आके पहुंचे तो मैम ही चल गई अटेंडेंस, जो लोग थे उनकी लगा के तो भाई हमारा आना बेकार है। यार सुबह इतनी ठंड लग रही थी और अभी इतनी गर्मी लग रही है, इस्लामाबाद के मौसम की जो है तो कोई समझ नहीं आ रही। और हम जो है ना तो आहिस्ता आहिस्ता से यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकल गए हैं, पार्किंग में हम हैं जी रवान दवा। आज के इस ब्लॉग को हम करने लगे हैं जहाँ पर एंड, और सीन ये है कि उमर क्या कोई मैसेज देना चाहोगे यार? रमज़ान आ रहा है, रोज़े रखें, नेक काम करें, कल से ना सर पे तेरी टोपी होनी चाहिए, हाथ में तस्बीह, मैं हाथ में तस्बीह लेके आऊँगा ठीक है। मुझे तस्बीह मिली थी, बहुत अच्छी गिफ्ट मिला हुआ है, वो मैंने रखा था, वो मैं अब रमज़ान में इंशाल्लाह मेरे हाथ में होगी। गिफ्ट किधर से मिला है, किसने दिया है? मेरे दोस्त ने। पक्की बात है? नहीं, जो जो बातें इसने की है ना ये सारी बातें हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट व्लॉग में ये करता क्या है, ये करता भी है या नहीं करता। आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।